अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर घर वापस लौट रहे तीन युवक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। ये घटना झज्जर की है, जहां तीन युवक अपने किसी खास दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही थी। चरकी दादरी मार्ग पर शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे बरानी मोड़ के पास एक कार पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही एक युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि दो दोस्तों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे से पहले शायद ही तीनों में से किसी दोस्त ने सोचा होगा कि ये बर्थडे पार्टी एक दूसरे के साथ उनकी आखिरी पार्टी होगी। बता दें कि हादसे में मरने वाले युवक की पहचान 24 साल के छुचकवास गांव निवासी रूपेश के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया। सूचना मिली थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें लोग तीन लड़के थे जो घायल हुए हैं, जो रात को एक दाखिल कराते समय एक्सपायर हो गया था। एक पीजीएमएस रोहतक में है, फिलहाल चल रहा है, उसका बयान लेकर उस पर पर्चा दर्ज करा। दो घायल हुए थे, घायल दो थे, लेकिन कल ये अभी कुछ नहीं कह सकते, एक तो एक ही मिले। अच्छा, एक मिले, एक एक्सपायर हो। कैसे हुआ है घटना? ये घटना तो अभी क्लियर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो एंगल से देख रहे इतफाक से है, और ये कह रहे हमारा तो एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी कुछ नहीं। तो अज्ञात व्हीकल के खिलाफ है जी, अज्ञात वाहन के खिलाफ पर्चा दर्ज है। हाँ, अज्ञात वाहन के खिलाफ। बाकी लोग, पुलिस ने बताया कि घायलों को राहगीरों की मदद से सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से पवन और सचिन को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया है। वहीं घायलों का तीसरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब छानबीन में ही इस हादसे की असली वजह सामने आ पाएगी। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।